एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। 31 जुलाई 2020 के द हिंदू न्यूज़पेपर को हम लोग एनालिसिस करेंगे और स्टार्ट करते हैं फ्रॉम फर्स्ट पेज और फर्स्ट न्यूज़ से। सबसे पहले आपको एक न्यूज़ दिखाई देगी, इंडिया नाउ हैज 5th हाईएस्ट कोविड-19 फैटलिटीज इन द वर्ल्ड, यानी दुनिया के अंदर भारत 5वें नंबर पर पहुँच गया है किसके मामले में, जो कोविड-19 की वजह से फैटलिटी या डेथ हो रही है। तो ये कोई अच्छी न्यूज़ हमारे लिए नहीं है, पॉजिटिव नहीं है, लेकिन एक नंबर दिया गया है यहाँ पे। तो डेली जो केसेज है वो 50,000 प्लस को क्रॉस कर रहे हैं, यानी हम कंटिन्यू राइज कर रहे हैं, हमारे जो केसेज है वो कंटिन्यू राइज कर रहे हैं। तो अलग अलग सेक्शन में अलग अलग जो स्टेट है उनका नंबर्स अलग अलग है, तो इन नंबर्स पर हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि ये डेली अपडेट होते रहते हैं और अगले कुछ दिन तक, कुछ महीने हो सकते हैं, तो ये अपडेट होते रहेंगे, राइट। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात की गई है, फॉर एग्जाम्पल हर्ड इम्यूनिटी के बारे में यहाँ पर डिस्कस हो रहा है कंटिन्यू। यहाँ पर बात हो रही, क्या एक हर्ड इम्यूनिटी, ये वर्ड यूज किया गया है, इसका एक ऑप्शन हो सकता है किसके कॉन्टेक्स्ट में, कि हम अपने कंट्री को सेव करें हर्ड इम्यूनिटी के थ्रू। तो गवर्नमेंट ये बोल रही है कि हर्ड इम्यूनिटी यानी ऐसी इम्यूनिटी अगर बड़ी संख्या में लोग जो है अपने अंदर एंटीबॉडी डेवलप कर ले, एंटीबॉडी कई तरीके से डेवलप हो सकती है, नेचुरल भी हो सकती है या वैक्सीनाइजेशन के थ्रू हो सकती है, और थर्ड जो तरीका मुझे लगता है कि अगर कोई इन्फेक्टेड पहले हुआ है, चाहे वो किसी भी वायरस से हुआ हो, तो उसकी बॉडी के अंदर सेल्फ जो एंटीबॉडी वो डेवलप होती है। एंटीबॉडी का मतलब क्या है कि वायरस से फाइट करने की उसकी कैपेसिटी, ठीक है। तो इसके बाद गवर्नमेंट ये बोल रही है कि ये सारी चीज़ें जो है वो हमारी जो ह्यूमन है उनकी जिंदगी के लिए चैलेंजिंग हो सकती है और हमारे हेल्थ केयर सेक्टर के लिए ये एक तरीके से डैमेजिंग सिस्टम हो सकती है। आपको पता है हमारा हेल्थ केयर सिस्टम जो है एज कम्पेयर टू वेस्टर्न वर्ल्ड अभी इतना अच्छा नहीं है, या इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा इतना अभी डेवलप नहीं है। तो उसके बारे में बात किया जा रहा है कि हमें दो चीज़ें करनी है कि हर्ड इम्यूनिटी हम केवल जो है वो इम्यूनाइजेशन के थ्रू यानी वैक्सीन के थ्रू जो है वो डेवलप करें, और कोविड-19 का फिलहाल जो है कि तरीका है कि बिहेवियरल चेंज करना पड़ेगा, हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये कंटिन्यू राइज हो रहा है। और इन सब के अलावा इनमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि हमें मास्क, सैनिटाइजेशन या अपने जो बेसिक हाइजीन्स है, बेसिक नॉर्मल्स है, उनको फॉलो करना चाहिए। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के एक एडवाइजर हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एंथनी फोकी, ये एक इन्फेक्शियस डिजीज स्पेशलिस्ट है और सीनियर एडवाइजर है यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। इन्होंने कहा कि भारत का रोल जो है वो बहुत क्रूशियल होने वाला है। मैंने कई बार इस बात का डिस्कशन किया है कि वैक्सीन बना देना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, नंबर्स ऑफ डोजेज को तैयार करना बड़ी संख्या में वो सबसे इम्पोर्टेंट है, और दुनिया के अंदर जो ये काम कर सकता है वो उसके अंदर हिंदुस्तान सबसे आगे है। क्यों? क्योंकि भारत का जो फार्मा सेक्टर है वो काफ़ी इम्प्रूव उसने किया अपने आप को, और दूसरा इंडियन फार्मा सेक्टर की सबसे जो खास बात क्या है कि हम सस्ते रेट पर जो है डोजेज तैयार कर सकते हैं, क्योंकि अगर वैक्सीन बनेगी और लोगों तक एक्सेस उसकी पहुंच नहीं होगी तो वैक्सीन बनने का कोई फायदा नहीं है। तो लोग उसको एक्सेस कर पाए, सस्ते रेट पर अवेलेबल करवा पाए, ये काम जो है वो इंडिया करने वाला है। इसीलिए जितनी भी कंट्री है, चाहे ऑक्सफर्ड जो वैक्सीन बना रहा है, उनके जो साइंटिस्ट है वो खुद बोल रहे हैं कि इस वैक्सीन को बनाने और इसकी नंबर ऑफ डोजेज तैयार करने में इंडिया का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। इसी प्रकार से यूएस के जो एडवाइजर हैं डोनाल्ड ट्रंप के, वो भी ये बोल रहे कि भारत इसमें क्रूशियल रोल प्ले करेगा, राइट। इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड आपको एक इम्पोर्टेंट न्यूज दिख रही है, दिल्ली गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि वो वेट जो है डीजल और पेट्रोल पर कम करने जा रही है 8% के आसपास, 8 रुपीज के आसपास। अब आप इसमें क्या चीजें, इसमें क्या डिफरेंस हुआ है, क्या इसके अंदर हमें पढ़ना है? देखिए, रिसेंटली हमने GST गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे आइटम्स अभी भी इंक्लूड नहीं किए गए हैं, तो उसी के अंदर डीजल और पेट्रोल भी है। दूसरे कौन कौन से आइटम्स उसके अंदर इंक्लूड नहीं किए गए हैं वो आप लोगों को नीचे कमेंट करना है। वेट जो है वैल्यू एडेड टैक्स है जो स्टेट गवर्नमेंट इम्पोज करती है किसी पर्टिकुलर आइटम पर, जब आप दूसरे स्टेट के अंदर क्रॉस करते हैं तो आपको ये लगेगा कि यहाँ पर जो फ्यूल प्राइसेज है वो उसका प्राइस थोड़ा सा चेंज मिलेगा आपको, जो 1 रुपया, 2 रुपया, 50 पैसे कितना भी हो सकता है, पर वो डिफरेंट मिलेगा, यानी ये डिफरेंट टैक्सेज जो है वो लगाए जाते हैं, इसी वजह से उसमें चेंज हो गए। आप लोग नीचे कमेंट करें कि पेट्रोल और डीजल के अलावा GST के अंदर कौन कौन से और ऐसे प्रोडक्ट हैं
जो ऐड नहीं किए गए हैं। ठीक है, देखिए सेकंड पेज पे दिल्ली के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं मनीष सिसोदिया, उन्होंने इसको एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की तरह लिया है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी रिसेंटली हमने पढ़ा, कल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लॉन्च किया गया, तो मनीष सिसोदिया जो कि एजुकेशन मिनिस्टर दिल्ली के, उन्होंने बताया कि ये पॉलिसी बहुत अच्छी है लेकिन इसके पीछे कुछ फ्लोज हो सकते हैं, कुछ इसके सेटबैक हो सकते हैं। तो जब भी हम किसी भी पॉलिसी को एनालिसिस करेंगे तो उसके दोनों एस्पेक्ट हमें पता होना चाहिए, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो यहाँ पर इसके बारे में इन्होंने बताया कि इनका सबसे बड़ा कंसर्न ये कि जो एक क्लैरिटी नहीं है कि ये जो सारे प्रोजेक्ट है, जो सारे टारगेट्स है या एम्बिशियस टारगेट्स है, इनको हम लोग अचीव कैसे करेंगे, इनको हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, ये एक सबसे बड़ा इशू है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट, इन्होंने कहा कि 6% का जो बजट की आप बात कर रहे हैं वो जो है वो क्या हम इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, क्योंकि ये जो 6% बजट की बात हो रही है जीडीपी में, ये अब से नहीं हो रही है, ये कोठारी कमेटी की जब रिपोर्ट आई थी तब से हो रही है, लेकिन खुद गवर्नमेंट का यानी जो ड्राफ्ट था 2019 में लॉन्च किया गया था, वो ये बोलता है कि गवर्नमेंट नेवर अचीव दिस 6% टारगेट। तो अब हम उसको कैसे अचीव करेंगे, ये एक सबसे बड़ा सेटबैक है। दूसरा यहाँ पर बताया गया कि इसके अंदर हाईली रेगुलेटेड पॉलिसी और मल्टीपल रेगुलेटरी बॉडीज बना दी गई है जो एक दूसरे से क्लैश करेगी। ठीक है, इसके अलावा नाम चेंज किया गया, ये एक अलग चीज है। इसके अलावा इन्होंने ये बोला कि सबसे इंटरेस्टिंग स्टेप इनको फेवर करते हैं जिस चीज को, कि एजुकेशन में जो मिड डे मील स्कीम थी उसके साथ अब ब्रेकफास्ट भी सर्व किया जाएगा, ये एक अच्छा स्टेप है। मदर टंग में एजुकेशन हासिल करेंगे, ये भी एक अच्छा स्टेप है। इन सब के अलावा बीएड कोर्स 4 साल का कर दिया, ये अच्छी बात है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो है वो फ्लोज ये है कि गवर्नमेंट स्कूल को हम लोग कैसे इम्प्रूव करेंगे एज कम्पेयर टू प्राइवेट वन। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर ये बात की गई कि बीएड कोर्स 4 साल का होगा और आगे टीचर्स की ट्रेनिंग होगी, लेकिन व्हाट अबाउट जो एग्जिस्टिंग टीचर यानी इस टाइम जो टीचर्स है उनकी ट्रेनिंग के बारे में इतना डिस्कशन नहीं किया गया है। ठीक है, इसके अलावा जो असेसमेंट मॉडल है वो भी एक थोड़ा चैलेंजिंग है, और स्पोर्ट्स पर ये जो डॉक्यूमेंट है ज़्यादा कुछ नहीं बोलता। तो मनीष सिसोदिया साहब ने कहा कि हमने कुछ सजेशन भेजी है और यही कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है, आप पॉजिटिव क्रिटिसिज्म करिए, आप बताइए कि ये चीज़ें कमी है। ठीक है, एक होता है पॉलिटिकल चीज़ों की, नहीं ये पॉलिसी ही बिल्कुल बेकार है, वो चीज़ें सही भी नहीं है, आपको जहाँ लगे कि यहाँ पर लैग करेगी पॉलिसी वो सजेशन दिए और वही काम इन्होंने किया। इसके बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट डिस्कस करेंगे जो क्रिटिसिज्म से रिलेटेड है, जो कि देखिए पेज नंबर 9 पे डिस्कशन किया गया कि व्हाई नो पार्लियामेंट डिबेट ऑन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, पार्लियामेंट के अंदर डिबेट क्यों नहीं होता। तो यहाँ पर कुछ डाटा का डिस्कशन किया गया, ये डाटा कितने सही हैं कितने गलत है ये हमें गवर्नमेंट के वेरीफाइड डॉक्यूमेंट से ही जो है क्रॉस चेक करना पड़ेगा, लेकिन एक जनरल ओवरव्यू की तरह आप इन चीज़ों को सीखिए। तो यहाँ पर बताया गया कि 6% जीडीपी का जो बात हो रही है हम एजुकेशन पर स्पेंड करेंगे, ये 1948 में आर्टिकुलेट किया गया था, तब से अगर आप देखेंगे इन्होंने लास्ट 6 ईयर, क्योंकि ये थोड़ा सा क्या होता है जब आप पॉलिटिकल पार्टीज से होते हैं तो उसका एक नेगेटिव ये होता है कि हम बहुत ही लिमिटेड तरीके से चीज़ों को देखते हैं। तो यहाँ पर 6% जो पिछले 6 सालों में एजुकेशन का बजट है वो रिड्यूस हुआ है। ठीक है, इसके अलावा आपने बात करी कि 50% ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो होना चाहिए हायर एजुकेशन के अंदर और 100% होना चाहिए सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन तक, लेकिन ये अच्छा है, ये स्टेप बहुत अच्छा, आपका कदम बहुत अच्छा है, लेकिन क्या आपको पता कि हायर एजुकेशन में 25.8% हायर एजुकेशन है, इनके अलावा 68.68% जो है क्लास 9 में, यानी ये टारगेट बहुत एक्सट्रीम है, क्या ये टारगेट जो है वो रियलिस्टिक है, इसके बारे में क्वेश्चन मार्क लगाया गया। आपने कहा कि रिसर्च एंड इनोवेशन के अंदर जो बजट होना चाहिए 2008 में से लेकर फ्रॉम 8.4% था 2008 में, और 2018 में 0.6% हो गया, यानी नंबर ऑफ बजट जो है रिसर्च एंड इनोवेशन में वो कंटिन्यू कम हुआ है। इसके अलावा भारत में ऐसे 15 रिसर्चर हैं जो 1 लाख पॉपुलेशन पे है, और अगर चाइना से कंपेयर करें तो वहाँ पर 111 ऐसे लोग हैं जो रिसर्च कर रहे हैं, तो ये एक चैलेंज है। ठीक है, इसके अलावा इसके थ्रू कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर को बूस्टअप देखने को मिलेगा और हाईली सेंट्रलाइजेशन करने की कोशिश की जा रही है,
लेकिन क्या जो पुअर है उसको अफोर्ड कर पाएंगे एजुकेशन को, ये एक बड़ा कंसर्न है। हालांकि थोड़ा सा इसमें है ना, गवर्नमेंट ने इसके बारे में जो बोला कि यूनिवर्सलाइजेशन करेंगे, तो इस पॉलिसी को हम फिर से रिविजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो यही कुछ बेसिक क्रिटिसिज्म हो सकते हैं, बेसिक जो इसके कुछ कंसेप्ट हो सकते हैं जिसपे डिस्कस हो सकता है, या इसको एज ए क्रिटिसिज्म ना लेकर कि चैलेंजेस क्या है इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में, इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। देखिए, इसके बाद एक रिपोर्ट के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ये रिपोर्ट बेसिकली है डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर, और रिसेंटली हम देखे पूरी दुनिया के अंदर लॉकडाउन हुआ, और लॉकडाउन की वजह से जो है पूरी, चाहे वो पूरी दुनिया एक तरीके से अपने घरों में कैद होगी, तो उसी का एक रिजल्ट था कि डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो इंक्रीज हुए हैं। ये केवल इंडियन कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, हमने बहुत पहले पढ़ा था, फ्रांस, स्पेन, इटली, इन कंट्री जो वेस्टर्न कंट्री, वहां पर भी इस तरह की चीजें देखने को मिली। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में एक रिपोर्ट है, देखिए जो रिपोर्ट्स बेसिकली यूज करते हैं हम एग्जाम में, उसका डाटा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का जनरली यूज करते हैं, बट ये एक रिपोर्ट है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, राइट? तो कोशिश करिए इसको मेंशन ना करें नाम, लेकिन आप इसको एज ए कि रिसेंट रिपोर्ट में कहा गया है ऐसे लिख सकते हैं। हमें जनरली या मोस्टली फोकस करना चाहिए गवर्नमेंट रिपोर्ट्स, गवर्नमेंट डाटा को यूज करें। इसके बारे में बताया गया कि डोमेस्टिक वायलेंस एंड ऑनलाइन सेक्सुअल अब्यूज जो है वो केसेस इंक्रीज हुए हैं, कहाँ पर? रेड जोन के अंदर। रिसेंटली हमने अपने जो COVID-19 केसेस के बेसिस पर ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन को डिवाइड किया गया। इसमें बताया गया कि इस लॉकडाउन के दौरान जेंडर बेस्ड वायलेंस जो है वो इंक्रीज हुई है, और ये डोमेस्टिक स्पेसिस में कई जगह पर बढ़ी है। ये रिपोर्ट का नाम क्या दिया गया है? अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लॉकडाउन, COVID-19 एंड द शैडो पेंडेमिक। ठीक है, ये रिपोर्ट पब्लिश किसने की है? नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च ने, जुलाई 20 को, और इसके ऑथर कौन है? मनीषा शाह और सरवणा रविंद्रन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एट लॉस एंजेलिस। तो उन्होंने कहा है कि जो डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट्स है वो 131% इंक्रीज हुई है, और जो ऑनलाइन अब्यूज की केसेस है वो 184% जो है वो इंक्रीज हुई है रेड जोन में एज कंपेयर टू ग्रीन जोन डिस्ट्रिक्ट्स। इसके बाद यहाँ पर बताया गया कि यहाँ पर एक सिग्निफिकेंट डिक्रीज हुआ है हेरेसमेंट में, रेप एंड सेक्सुअल असॉल्ट कंप्लेंट्स के अंदर रेड एंड ऑरेंज जोन डिस्ट्रिक्ट में एज कंपेयर टू ग्रीन जोन्स में, राइट? तो यहाँ पर इसी के बारे में बेसिकली बताया गया, और ये कई सारे इसमें आर्टिकल्स भी है। ये ऐसी चीज़ें क्यों हुई है, इसके पीछे कई सारे रीजन्स हैं। पहला अगर हम देखेंगे, लॉकडाउन को इम्पोज करने के बाद जो उसके इम्प्लीमेंटेशन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी पुलिस फोर्सेज की या उनकी लगाई गई, तो इसके अलावा स्कूल, कॉलेज, इस तरह की चीज़ें बंद थी, जिसकी वजह से बच्चे तक भी, यानी जो सेक्सुअल अब्यूज अगेंस्ट चिल्ड्रन, ये भी एक बड़ा केसेस बढ़ा था, अर्ली मैरिज, इस तरह के केसेस कंटिन्यू वहां पर इंक्रीज हुए, तो वो सारे वजह से एक नेगेटिव सेटबैक हमें देखने को मिल रहा है। तो और इसके अलावा कोई करियर काउंसलिंग टाइप सिचुएशन नहीं थी, क्योंकि ऑलमोस्ट सब चीजें जो है बंद हो गई थी अपने घरों में, तो उसका एक नेगेटिव सेटबैक हो सकता है। कितनी रिपोर्ट में क्या क्या डिटेल्स हैं इसके बारे में, जब कोई स्पेशल रिपोर्ट इसके बारे में आएगी, हमने ये एडिटोरियल में डिस्कस किया था बहुत पहले, तो इनको हम कवर करेंगे, लेकिन आपके लिए एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट ये हो सकता है। अब बात करेंगे दुनिया में क्या हो रहा है। दुनिया में दो तीन चीजें इम्पोर्टेंट है। पहला अगर हम देखें, हांगकांग में जो इलेक्शन, यानी हांगकांग में जो एक नेशनल लॉ इम्प्लीमेंट किया गया था चाइना द्वारा कि हम आपके सिक्योरिटी के ऊपर जो है वो काम करेंगे, या एक नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे एक लॉ इम्पोज किया गया, लेकिन सिविल राइट्स यानी जो बेसिक ह्यूमन राइट होने चाहिए उनको डिनाई किया गया। अब इन्होंने क्या किया है, हांगकांग ने 12 अपोजिशन कैंडिडेट्स, यानी आप बोलते हैं कि हांगकांग के अंदर हम सिविल राइट्स देंगे, लेकिन किसी भी डेमोक्रेसी में, किसी भी इलेक्शन प्रोसीजर में, अगर ओपोनेंट को ही आप जो है वो बैन कर देंगे इलेक्शन से, तब इलेक्शंस का मतलब क्या है? ये तो वही कंडीशन होगी कि दो बंदों ने कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, एक बंदे को एग्जाम में बैठने ही नहीं दिया, तो पहला टॉप आ गया, तो ये कंपटीशन नहीं है, ये इलेक्शन नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है, और चाइना खुद एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, तो वो अपनी जो टेरिटरी जो क्लेम करता है उसमें कैसे जो है वो कंडक्ट होने दे सकता है।
इसीलिए पूरी दुनिया जो है चाइना का जो इस तरीके से अग्रेशन इस खासकर होंगकोंग वाले रीजन में दिखाई दे रहा है इसके खिलाफ, और ये नेशनल सिक्योरिटी लॉ के नाम पे जो बेसिक ह्यूमन राइट्स है उनको कटआउट करने की कोशिश कर रहा है। ये पूरी दुनिया इसको बहुत बारीकी से देख रही है और हिंदुस्तान भी इसमें एक्टिवली काम कर रहा है। हालांकि हम डायरेक्टली चाइना के अगेंस्ट इसमें कुछ ज़्यादा नहीं कह सकते। रीजन क्या है कि चाइना की एक वन नेशन पॉलिसी का मतलब ये कि अगर हम डायरेक्ट हांगकांग से रिलेशन अपने एस्टेब्लिशमेंट कर लेंगे तो हमें चाइना से कटआउट करने पड़ेंगे, इसलिए भारत थोड़ा सा सावधानी से इन चीज़ों को देख रहा, ऑब्जर्व कर रहा है। इसके बाद चाइना ने एक साउथ चाइना सी के अंदर कंडक्ट की है ड्रिल को, और ये उनका एयरक्राफ्ट कैरियर है, ठीक है। एयरक्राफ्ट कैरियर के अंदर उन्होंने एक के थ्रू जो है नेवी वहाँ की उन्होंने ड्रिल की वहाँ के अंदर। रिसेंटली क्या है, ये साउथ चाइना सी बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड ये हो चुका है और कई सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। तो रिसेंटली यूएस की मिलिट्री ने भी उसमें प्रेजेंस अपनी शो करी थी, और इसके बाद जो कंटिन्यू दोनों के बीच में एक सी लेवल पर भी हम इस तरह की चीज़ें देखने को मिल रही है, इनको इंक्रीमेंट हमें देखने को मिल रहा है, राइट। इसके बाद वियतनाम के अंदर केस जो है वो रिटर्न कर रहे हैं, ये एक न्यूज है। लेकिन अब हम बात करेंगे बिजनेस सेक्शन में। तो बिजनेस सेक्शन में अगर आप देखेंगे तो यूएस की इकोनॉमी जो है वो श्रिंक कर गई है 33%। यहाँ पर 33% का मतलब ये नहीं है कि पूरी इकोनॉमी 33% जो है वो कम हो गई है, लेकिन अगर मान लो एक ग्रोथ रेट होनी चाहिए, जो मान लो एक क्वार्टर है अप्रैल से जून, अप्रैल मई जून 3 मंथ्स का, वहाँ पिछले साल जो ग्रोथ होनी थी उसके मुकाबले में 33% कम ग्रोथ रेट हुई, यानी उसमें काफ़ी डिक्लाइन हुआ है ग्रोथ रेट के मामले में। ऐसा क्यों हुआ उसके बारे में भी बताया गया कि देखिए इसके सबसे बड़ा रीजन क्या है, आउटब्रेक की वजह से बिजनेस बंद हो गए, ठीक है। मिलियंस जो लोग हैं वो काम पे नहीं जा पाए, ठीक है। और इसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो कंटिन्यू राइज हुई। इसके बाद गवर्नमेंट ने वहाँ पर डिसीजन लिया था कि एक तो जीडीपी पर प्रेशर बढ़ा कि एक इकोनॉमिक रिवाइवल करना है, हमें अपनी इकोनॉमी को सुधारना है, और जो इकोनॉमिस्ट हैं वो बोलते हैं कि नियरली $3 ट्रिलियन का एक पैकेज लॉन्च किया गया था कि इसके इम्पैक्ट जो वो लार्ज नहीं होने चाहिए, इसमें कंपनीज हेल्प करेंगी वेजेस एंड गिव मिलियंस ऑफ अनएम्प्लॉयड अमेरिकन ए वीकली 600 डॉलर सप्लीमेंट, यानी एक तरीके से फिस्कल पैकेज जो लॉन्च किया गया था उसका भी एक तरीके से सेटबैक देखने को मिला। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो थी न्यूज़ वाले सेक्शन में। अब हम चलेंगे एडिटोरियल में, और दो तीन ऐसे एडिटोरियल हम कवर करेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम परस्पेक्टिव से। देखिए यहाँ पर एडिटोरियल में चार एडिटोरियल आपको दिखेंगे। पहला जो एडिटोरियल है ये लॉन्ग रोड और ये अन एजुकेशन पॉलिसी दैट इज स्वीपिंग इन इट्स विजन। तो ये दोनों एडिटोरियल जो है एजुकेशन पर है, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो लॉन्च की गई है तो उसी के बारे में एडिटोरियल दिया गया है। दोनों लगभग लगभग सेम चीज़ें हैं तो उसमें ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, तो एक में ही हम बेसिक चीज़ें कवर करेंगे। कल हमने एजुकेशन ये जो सर पॉलिसी थी इसके बारे में पढ़ा था, इसके क्या क्या मेजर प्रोविजन्स उनके बारे में हमने देखा, तो इसके बारे में फिर से रिपीटेशंस है और रिपीटेशन से हमारा रिवीजन भी हो जाएगा। लेकिन इसके बाद अगर कंटिन्यू 10 दिन तक चलती रहती तो उस पर हम डिबेट नहीं करेंगे, बेसिक चीज़ें हमें पता है, उसका सेटबैक्स क्या क्या हो सकते हैं वो चीज़ें कवर करेंगे। तो यहाँ पर बात की गई सेंटर विल हैव टू कन्विंस स्टेट दैट द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी विल बेनिफिट ऑल। इसका मतलब क्या है, ये वर्ड यहाँ पर क्यों यूज किया गया है? देखिए एजुकेशन जो है वो एक कॉन्क्रीट लिस्ट के अंदर है, लेकिन प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन जो है वो स्टेट लिस्ट के अंदर आती है, तो इसलिए सेंटर को कन्विंस करना पड़ेगा कि भाई ये जो पॉलिसी है वो क्यों बेनिफिट करेगी, ताकि एक फेडरल स्ट्रक्चर यानी जिसके अंदर दोनों स्टेट और सेंटर मिलकर काम कर सके। यहाँ पर बात की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अनाउंस की गई मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट द्वारा। ये जो है एक ऐसे गोल एस्टेब्लिशमेंट करते हैं जिसकी रिक्वायरमेंट होगी भारत को, यानी 21वीं सदी के भारत को जिन टारगेट्स को अचीव करने की रिक्वायरमेंट है उनको ट्रांसफॉर्म करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉलिसी है। इसके बाद यहाँ पर बताया गया कि फेडरल सिस्टम के अंदर एनी एजुकेशनल रिफॉर्म, किसी भी एजुकेशनल रिफॉर्म को लॉन्च करने के लिए इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें राज्य सरकारों की रिक्वायरमेंट है। इसी को बोलते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, यानी एक दूसरे के साथ करना काम कर, डिफरेंसेस हो सकते हैं बट पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने में एक दूसरे को सहयोग करना।
ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कई सारे इम्पोर्टेंट इसके अंदर एम्बिशियस गोल सेटअप किए गए हैं। इनमें पॉलिसी हो चाहे इंटर एलिया हो, एलिमिनेट प्रॉब्लम ऑफ पेडागोगी, स्ट्रक्चरल इनइक्विटीज़ और एक्सेस एसिमेट्रिक्स एंड रैम्पेंट कमर्शलाइजेशन। अब यहाँ पर बताया गया कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है 1986 के बाद जो है 34 ईयर के अंदर एक ऐसा रिफॉर्म जिसमें स्ट्रक्चर रिफॉर्म के बारे में बात की वो लॉन्च की गई। इसके बाद इन्होंने डिस्कशन किया कि प्राइमरी स्कूल में लिटरेसी और नमरेसी आउटकम्स को इंक्रीज करना हो, ड्रॉप आउट लेवल को कम करके मिडिल और सेकेंडरी लेवल में 100% अचीव करना हो, ग्रोस हायर एजुकेशन के अंदर जो है वो ग्रोस एनरोलमेंट रेट जो है बढ़ाना हो, इन सब पर जो है वो काम किया जाएगा। इन सब के अलावा पहले जो आंगनवाड़ी होती थी उनको अब बच्चे वहाँ से सीधा 3 स्कूल में जाएंगे, वहाँ पर प्राइमरी यानी प्री प्राइमरी स्कूल की तरह काम करेगा वो। इन सब के अलावा हमारे परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए स्कूल बोर्ड के एग्जामिनेशन 2 बार होंगे, ये सेमेस्टर सिस्टम टाइप ही है और इसमें मदद मिलेगी कि कंटिन्यू वो काम कर सके। इनके अलावा वो लर्निंग के अलावा मैथमेटिकल स्किल जो है वो सीखे। इन सब के अलावा 4-ईयर डिग्री सिस्टम किया गया जिसके अंदर हायर एजुकेशन कमीशन जो है मेजर चेंजेस करेगा, मेजर उसको रिव्यू करेगा। 6% GDP का जो एक्सपेंडिचर है ये बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन भूटान जैसी कंट्री 7% खर्च करती है, जिम्बाब्वे ऑलरेडी 6% कर रही है और फिनलैंड का एजुकेशन सिस्टम दुनिया का सबसे बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम है, तो हम वहाँ से भी कुछ चीज़ें सीख सकते हैं। इन सब के अलावा सबसे इंटरेस्टिंग क्या था कि मदर टंग अपनी लैंग्वेज में आप 5th तक पढ़ सकते हैं और इन फ्यूचर इसको 8th तक भी बढ़ाया जा सकता है, अपनी रीजनल लैंग्वेज जो भी आप लैंग्वेज में इजीली कंफर्टेबल हैं उसमें आप एजुकेशन एक्सेप्ट करें, एजुकेशन लें। इन सब के अलावा बिल्कुल देखिए इंग्लिश को हम अवॉइड नहीं कर सकते, इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट मीडियम है, बट 2 चीज़ें होती है, इंग्लिश सीखना और एक फोर्सफुल इंग्लिश सीखना, उसमें डिफरेंस है। ठीक है, बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि वो सीखना चाहता नहीं सीखना चाहता, उसको फोर्स नहीं कर सकते। सबसे इंटरेस्टिंग इसमें जो प्रोविजन्स है ये बताया गया कि एक एनर्जी फील्ड ब्रेकफास्ट दिया जाएगा मिड डे मील में। पहले जो मिड डे मील में क्या होता था कि केवल जो है वो लंच दिया जाता था, लेकिन अब से क्या है ब्रेकफास्ट भी इसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा, जिसके अंदर यूनिवर्सलाइजेशन के बारे में बात की गई कि हर एक सेक्शन जो है उसमें एजुकेशन के अंदर इंक्लूड किया जाए और इसी के लिए इंक्लूजन फंड को डेवलप किया गया। और जो डिसएडवांटेज चिल्ड्रन है चाहे वो फिजिकल डिसेबल हो सकते हैं उन सबको भी इसके अंदर ध्यान में रखा गया है, ताकि हम लोग अपने एजुकेशन के जितने भी टारगेट्स हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, या 2025 तक हमें यूनिवर्सल लिटरेसी एंड नमरेसी रेट को हासिल करना है, इन सारे टारगेट्स को हम अचीव करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्टेट्स। ठीक है, अगर हम सेकेंड आर्टिकल में जो एजुकेशन का है उसमें कुछ जाए तो हमें कुछ और चीज़ें जो सीखने को मिलेगी, तो उन कुछ मेजर प्रोविजंस को इसके अंदर भी हम देखेंगे। तो 34 ईयर में पॉलिसी बनी, 1992 के अंदर थोड़ा सा चेंज यहाँ पर किया गया, मॉडिफाई किया गया, लेकिन ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप कुछ वर्ड्स को आप देखें, स्वीपिंग इन विजन का मतलब है एक इंटरेस्टिंग विजन प्रेजेंट करता है। यहाँ पर 2 कमेटी की रिकमेंडेशन इसको बनाने के लिए बनी थी, मैंने डिस्कशन किया था के कस्तूरी रंगन को, लेकिन उससे पहले TSR सुब्रमण्यम कमेटी भी थी इस पर बनी थी और उसने भी अपनी इम्पोर्टेंट सजेशन इसमें दी थी। तो इसमें कई सारे चेंज किए गए हैं। 2020 की जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है ये बेसिकली प्री स्कूल से लेकर डॉक्टर डिग्री, प्रोफेशनल डिग्री से लेकर वोकेशनल ट्रेनिंग और 21st सेंचुरी के अंदर जो रिक्वायरमेंट है 21वीं शताब्दी की, मोबिलिटी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, अल्टरनेट पाथवेज टू लर्निंग एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी हर किसी को ये अवेलेबल हो, फ्लेक्सिबल हो कि हम कब पढ़ें कितना पढ़ें ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हमारी जो आपने पढ़ा होगा सर्टिफिकेट के बारे में बात हो रही, डिप्लोमा डिग्री, ये आप फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ डिग्रीज के बारे में बात होगी। अल्टरनेट पाथवेज टू लर्निंग कि हम पढ़ाई के साथ साथ कुछ और चीज़ें भी अगर सीखना चाहते हैं तो सीखें, और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कि हम अपने आप में क्या है उसका हमें पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद सेम चीज़ें बताएगी ये जो एजुकेशन रिफॉर्म क्या होंगे और 5th तक। ठीक है, इनके अलावा अभी कोई डिफरेंस नहीं होगा आर्ट्स कॉमर्स और साइंस, आपको जो पढ़ना है पढ़िए। ये थोड़ा सा कंसर्न भी है कि साइंस वाला बच्चा अगर कॉमर्स पढ़ेगा तो वो इंटर रिलेट कैसे कर पाएगा, लेकिन ये जो है इन्होंने किया है
बच्चे को फ्लेक्सिबल, हालांकि ये बच्चे पर डिपेंड करता है, वो लेना चाहे तो ले, नया लेना चाहे तो ना ले, ठीक है। इसके बाद जो रेगुलेशन पे बात की गई है उसी के बारे में कंटिन्यू यहाँ पर भी डिस्कशन किया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे इसके अंदर। नेक्स्ट हम देखेंगे बैंकिंग ऑन सीरोलॉजी के बारे में बात करी गई है। ये क्या है बैंकिंग ऑन सीरोलॉजी? देखिए रिसेंटली है ना, दो स्टडी ऐसी कंडक्ट हुई है, एक तो दिल्ली के अंदर और एक है मुंबई के अंदर। ये क्या स्टडी है बेसिकली, सीरोलॉजी का यहाँ पर क्या डिस्कशन है? एक सर्वे किया गया जिसके अंदर लोगों के अंदर एंटीबॉडी डेवलप हुई है या नहीं, इसको एनालिसिस करने के बारे में एनालिसिस किया गया कि क्या एंटीबॉडी डेवलप हुई है वायरस के खिलाफ। तो इसके बारे में रिपोर्ट बताएगी कि मुंबई के अंदर जो सर्वे हुआ था उसमें बताया गया कि 5 में से 3 लोगों में, यानी 57% जिनको टेस्ट किया गया स्लम्स के अंदर, और जिनके अंदर वायरस या तो एक्सपोज कर गया लेकिन उन्होंने अपने अंदर जो है अपने बॉडी के अंदर एंटीबॉडी डेवलप उनके हुई है। और दिल्ली के अंदर जो है, और सबसे इम्पोर्टेंट इन्होंने चीज बताई कि दिल्ली के अंदर ये थोड़ा कम था, 20% के आसपास। लेकिन अगर आप इस पूरे सिनेरियो का एनालिसिस करेंगे, एंटीबॉडी या जो हर्ड कम्युनिटी की, हर्ड इम्यूनिटी की हम बात करते हैं कि हमारी पॉपुलेशन इस वायरस से फाइट करने के लिए अपने बॉडी के अंदर एंटीबॉडी डेवलप करे। लेकिन यहाँ पर एक कंसर्न ये बताया गया कि जो वायरस के कॉन्ट्रेक्शन या वायरस के फैलने का प्रभाव सबसे ज्यादा कहाँ है, अगर आप देखेंगे जहां पर क्राउडेड एरिया है, जहां पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो वहां वायरस की स्प्रेड होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, या जहां पर पॉपुलेशन की डेंसिटी या पॉपुलेशन का जो नंबर ऑफ पॉपुलेशन ज्यादा है किसी पर्टिकुलर एरिया में, तो वहां पर इस तरह की चीजें जो है फैलने का डर ज्यादा रहता है। तो ये सर्वे इम्पोर्टेंट है हमारी जो है पॉलिसी फ्रेम करने के लिए COVID-19 के खिलाफ, ठीक है। तो उसी के बारे में सर्वे किया गया था। इसके बाद राजस्थान का ये फिर से डिस्कशन किया गया। हम पूरे वीक राजस्थान गवर्नमेंट और राजस्थान में जो कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज है उनके बारे में पढ़ते रहे। तो इसमें कुछ बेसिक प्रोविजन सेम रिपीटेशन टाइप में है, वो उनके बारे में डिस्कशन किया गया है जो हमने प्रोविजन्स को कवर अप किए थे, ठीक है। तो यहाँ पर वही सेम चीजें हैं कि राजस्थान गवर्नमेंट, राजस्थान में कुछ एमएलए को एक तरीके से डिस्क्वालिफिकेशन का नोटिस भेजा गया स्पीकर के द्वारा। उसके बाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर की इस बात को नहीं माना कि भाई ये स्पीकर का सोल राइट होगा, उन्होंने कुछ अलग कॉन्टेक्स्ट इसमें दिया। तो इसके अंदर डिस्कशन किया गया 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी 10वीं अनुसूची, जिसमें डिस्कशन किया गया है एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में। एंटी डिफेक्शन लॉ का मतलब क्या है? दल बदल कानून, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इसमें कई सारे प्रोविजंस के बारे में डिस्कशन किया गया। रूल्स क्या बोलते हैं, 7, 8, 6, 6, 7 रूल्स क्या लोकसभा के, जिनको फॉलो करता है स्टेट असेंबली भी ऑलमोस्ट। इसके बाद स्पीकर का रोल के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। एक इम्पोर्टेंट जजमेंट है इसके बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं, क्योतो होलोन। ये इम्पोर्टेंट जजमेंट थी कि स्पीकर के पास जो राइट्स हैं, स्पीकर डिसीजन ले सकता है डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में, उसके ऊपर बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन जो है वो इम्पोज नहीं किए जा सकते, ठीक है। लेकिन इस बार जो सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर के डिसीजन के बारे में बोला था कि किसी भी, जब तक, एक तो पहली बात सेशन नहीं चल रहा है, व्हीप रिलीज नहीं किया गया है, किसी पॉलिटिकल पार्टी से डिफरेंस होना ये एंटी डिफेक्शन का पार्ट नहीं है, और अपना अपनी बात रखना जो है ये भी एंटी डिफेक्शन के अंदर नहीं आता, तो थोड़ा उन्होंने क्लेरिफिकेशन दिया। इसके बाद जो असेंबली सेशन में 21 डेज के बीच जो है वो प्रपोजल किया गया। इसके पीछे रीजन जो गवर्नर साहब ने दिया कि अगर शॉर्ट नोटिस पर असेंबली सेशन को कॉल करना है तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आप पर्टिकुलर बताएंगे क्यों ये करना है। अगर आप इसके अंदर आप जो नोटिस भेजा कि किस बेसिस पर ये सेशन होना चाहिए प्रपोजल, तो उस बेसिस पर आपको हमें बताना पड़ेगा कि आपने इसलिए शॉर्ट नोटिस पर हमें ये भेजा, इसके बाद ही ये जल्द से जल्द अपॉइंट किया जा सकता था, या जल्द से जल्द जो है सेशन को कॉल किया जा सकता था, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक प्रोविजन है। हमने आर्टिकल्स 174 भी पढ़ा था कि क्या इसमें प्रोविजंस हो सकते हैं 174 के अंदर। 174 में जो सेशन गवर्नर कॉल करता है उसके बारे में डिस्कशन किया गया। 2016 में सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट थी नेवम राबिया और गवर्नर के इश्यूज को लेकर, कि गवर्नर जो सेशन कॉल किया था उसके बारे में, तो
यहाँ पर इस जजमेंट में कहा गया था कि जो कैबिनेट डिसीजन लेगी उसको फॉलो करना गवर्नमेंट गवर्नर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके अलावा 1974 में शमशेर सिंह वर्जिस स्टेट ऑफ पंजाब के बारे में जनरल डिस्कशन किया गया, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में कंटिन्यू यहाँ पर डिस्कशन है। तो यही थे आज के द हिंदू न्यूज़पेपर की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज जो हमने कवर की, और आप लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू ऑल, जय हिंद।